अस्सलामुअलैकुम खवातीन और हजरात, मैं हूँ आपका होस्ट सईद मुगल और अपनी पूरी टीम के साथ से मजाक की पूरी टीम के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। आप जानते हैं कि आज 73वां यौम आजादी मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपके गोशगुजार की बात करता चाहूँ कि पिछली जो यौम आजादी थी और इस यौम आजादी में बड़ा फर्क देखने को आया। जी, क्योंकि 6 माह से हम अपने घरों में लॉकडाउन थे कोरोना की वजह से, और जो इस वक्त मजा आया यौम आजादी का वो इससे पहले नहीं आया। इसकी अहमियत क्या थी यौम आजादी की, हमें अब महसूस हुआ। इसका मतलब कोरोना ने तुम्हारी आंखें खोल दी हैं। बिल्कुल जनाब, आपको पता है घर में 6 माह बंद रहे हैं, तो उसके बाद बाहर निकले, सड़कों पर निकले, जाले निकले, पाकिस्तान के नारे बुलंद किए हैं, तो ये एक बड़ा एक अपना ही मजा है। आपकी तो आंखें माशाल्लाह हुन खुली हैं ना, ते ये ते माशाल्लाह 7 दिन अंदर पई रही है नू। आपकी भरपूर ताली की गूंज में 170 UC के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जनाब तैयब वही साहब तशरीफ ला रहे हैं आपकी भरपूर तालियों में, और इसके साथ हमारे दूसरे मेहमान खास हैं आज के प्रोग्राम के, हमसे मजाक के, आपकी भरपूर तालियों की गूंज में तशरीफ लाते हैं जेल के डायरेक्टर जनाब शेख अब्दुल कय्यूम साहब, भरपूर तालियों। यार मेरी बात सुनो शेख साहब, मेरे मेहमान खास आज के प्रोग्राम के, असि शेख साहब की जेल कर ली माशाल्लाह। वहाँ पे पूरे अहले इलाका के लोग जमा थे, वहाँ पे परचम कुशाई हुई है, वहाँ पे बच्चों में झंडे तकसीम किए गए हैं, और जेल की तरफ से इन्होंने पता लगा कि 6 झंडे दे के 8 वापस ले। शेख साहब ने इस पर लंगर भी तकसीम किया वहां पे, और जल की जितनी प्रोडक्ट है, गार्मेंट्स है, फूड सप्लीमेंट इनके हैं, वो सारे इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों में तकसीम किए हैं। नहीं लंगर था कि मतलब मैं एक गली चो मांगा, मैं खुद वहां पर मौजूद था, इतनी बिरयानी बांटी तो मैं कि मैं बकवास कर रहा, मेरी तो सुन लो। जी जी, मेरे कहने का मतलब कि मैं इंज करके जा रहा सी ते शेखा ने क्रोकड़ियां भी कर रही सी। अच्छा, मैं क्या वीडियो किधर कहते जितो पूछना तो भी तुम्हें जाना चाहिए। हां दिनों हजरात, शेख साहब के साथ मेरे दूसरे मेहमान है जनाब तैयब भाई साहब। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप पीटीआई की तरफ से यूसी लेवल पे काम कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। गड़ी शो आपका इलाका है, आपके एमएनए, आपके एमपीए बड़े मशहूर और मारूफ लोग हैं वहाँ पे, सुना है कि वहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, तो क्या तफसील थोड़ी सी बताएं किस मेन प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है? सर अभी प्रोजेक्ट्स की बात इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग अभी कोरोना और इन सारे झंझटों से निकले हैं। हमारा मेन फोकस रहा है सिर्फ कोरोना के ऊपर कि हमने उससे किस तरह से बचना है, अपनी आवाम को किस तरह से उससे बचाना है। उसके लिए हमारा सबसे पहला और मेन प्रोजेक्ट ये था कि हम सारे एरिया में क्लोरीन स्प्रे करवाया जाए, सारे एरिया को डिसइंफेक्ट किया जाए, हमारा मेन काम इस वक्त यही है। आपने अवेयरनेस के लिए कोई स्टॉल वगैरह लगाए वहां पे पीटीआई की तरफ, जहां पे लोगों को आप अवेयरनेस दे सके, मास्क क्या है, सैनिटाइजर क्या है, सूपीस क्या है? जी बिल्कुल, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि आवाम को मास्क
के ऊपर या उनको एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस जो है वो रखने पर जोर दिया जाए तो काफी चैलेंजिंग रहा है ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पे काबू पाया। उसका तरीका का ये था कि हमने पंफलेट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, जगह जगह हमने बैनर्स लगवाए जिससे हमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली। बड़ी कामयाबी मिली सरकार, गली शो जो बारिश होती है तो पानी इन्हें ना खलो जाता है, अठ सत बंदे कट्ठे होके ना कोल चले गए, अठ सत बंदे कट्ठे होके ना कोल चले गए, कहिंदे भाजी उत्थे वेखो पानी कि खलोता है, कहिंदा मुहल्ले च किन्ने बंदे ने, कहिंदा जी 15,000 है। हमें तो कोरोना ने आजादी बताई है, जाके खुशी माफी दे कोरोना दे वेच ते मैं ताड़ी भाभी नु 6 वारी कह पैणा तेरा भरा हो के बो नहीं, वो एसओपी से आपने अमल किया है इसका? हां जी बड़ा माशाल्लाह एसओपी। अच्छा आप तैयब साहब क्या समझते हैं कि आपकी जो गवर्नमेंट है या खास तौर पे ये जो सूबाई गवर्नमेंट आपकी है तो किस हद तक आप समझते हैं कि कोरोना पे आपने कंट्रोल किया, गवर्नमेंट ने सारा काम किया आपके साथ? सर हमने इसको काफी हद तक कंट्रोल किया है, जिस तरह आप बेहतर जानते हैं इस चीज को कि बाकी कंट्रीज के अंदर क्या हालात हैं इस वक्त भी। कल मैं न्यूज सुन रहा था तो पता लगा कि इंडिया में कल एक दिन में 1000 लोग जो है ना वो उनकी डेथ हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इस पर पूरे तरीके से काबू पाया है। बिल्कुल सही। अच्छा तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, आप इसमें अपोजिशन को साथ लेके चले हैं या पीटीआई अकेले ने काम किया है? देखिये वहां पे भी अपोजिशन भी उस इलाके में मौजूद है ना? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अपोजिशन उस इलाके में मौजूद है, लेकिन मेरे ख्याल से अपोजिशन को चाहिए था कि हमारे साथ मिलकर काम करती। बिल्कुल सही। कई इस तरह की हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जिसके अंदर अपोजिशन ने हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लम्स बनाई है। जी जी। तो मेरे ख्याल से ये वो टाइम था जिसमें पूरी कौम को इकट्ठे हो जाना चाहिए था। वैसे जैसे आपने अपने पापा को बेकार नहीं जी आप कह सकते हैं मेरे तो भाई हैं। अच्छा शेख साहब मैंने एक चीज देखी है कि बाहर के मुल्कों में इत्तेफाक बड़ा होता है, प्रोग्राम करने के लिए जाते रहते हैं हम, तो मैंने खास तौर पे नागौर में एक चीज देखी है, वहां पे मैं 7-8 दिन रहा हूँ वहां पे, तो वहां पे मेरी कमीज का कॉलर भी गंदा नहीं हुआ, मेरे शूज से मट्टी की वो मट्टी भी नहीं आई, डस्ट नहीं ऊपर आई, शर्ट मैंने व्हाइट कलर की पहनी थी वो भी गंदी नहीं हुई, और जब मैं वापस आया वही एरोप्लेन में जो लोग बैठे थे वो एक तरतीब के साथ आ रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे हम उतरे तो वही एक जो तरतीब के लोग लाइन में लग के आ रहे थे वो लाइन भी ख़त्म होगी, वो गिरेबान भी पकड़ेगी, वो सामान भी गुम होना शुरू हो गया। क्या इसमें गवर्नमेंट की कमजोरी है या किसी की सतह पर कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, असल में माहौल से जो ना वो चीज़ें होती हैं। आपको बड़ी खूबसूरत बात है कि आप अगर जापान में जाएं और आप डस्टबिन से बाहर कोई चीज़ फेंकें तो वहाँ के जो कब्बे हैं जी जी वो चीज़ें उठा के डस्टबिन में डालेंगे। ये हमारे लिए बड़ी खूबसूरत एक मिसाल है, और कब्बे को आप जब भी देखेंगे हमारे तो हाँ देखिए जब कौवा दीवार पर बैठता है तो यहाँ पर ये तस्वीर दी जाती है कि ये मेहमान की इलामत है, या फोक गानों में बहुत सारे शायरों ने कौवे को लिखा है। ठीक है जो शेख साहब ने बात बताई, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे कौवे के लिए तो ताली जरूर रखी। कौवा इतना सलाह हो गया है हुण ऐनक ला के होस्टिंग कर रहे हैं। वाह ये तो आपको बाद में पता चला। शेख साहब जहाँ पे आपने गारमेंट्स पे बड़ा काम किया जेल की तरफ से, और फिर आपने फूड सप्लीमेंट पे किया, और स्किन पे खास तौर पे जो आपका काम है, तो स्किन का ये जो एक मौसम चल रहा पाकिस्तान में हबस का मौसम है जिसको पंजाबी में हम कहते हैं सावन है, और दूसरा हबस के दिन है, जेठ का महीना है, ये 2-3 माह जो होते हैं, तो इसमें क्या स्किन की जो प्रोडक्ट वो ज़्यादा सेल आउट होती है? सर ऐसा है कि नॉर्मली हम लोगों को स्किन के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं यहाँ आपकी मोहब्बत की वजह से बताना चाहूँगा यहाँ पे। जी जी। असल में ये होता है कि हमारे यहाँ पर डेड स्किन फेस पर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और जिसके लिए हमारा जो मेरा मेन ब्रांड है जिसका नाम बॉनिक है,
बॉनी के प्लेटफॉर्म पे हम लेते हैं, 3-in-1 है हमारा जो स्क्रब है, वो इस मौसम में ये है कि जो आपकी डेड स्किन डेड सेल रह जाते हैं जो हम जेल के प्लेटफॉर्म से सेल कर रहे हैं जी जी, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है इस मौसम में। और नॉर्मली स्किन केयर का ये होता है कि स्किन केयर तो होती ही ऐसी है कि मतलब मेकअप में तो फॉर एग्जांपल कोई लेडीज है वो कहती है मैं पिंक लिपस्टिक लेनी है तो वो पिंक ही लेनी है, लेकिन स्किन केयर में ये होता है कि जो चीज़ आपकी डिमांड में है जो आपकी ज़रूरत में है, जैसे फेस वॉश है हमारा कोकम्बर में है ऑर्गेनिक है, हम लोग यहाँ पे 90% चीज़ें ऑर्गेनिक में लेकर चल रहे हैं जी जी। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमारी जो है ना वो ही चल रही हैं, वो सारे स्टोर्स पे हैं, जैसे आप CSG देख लें, मेट्रो देख लें, रहीम देख लें, रियोस देख लें, और इस तरीके से हमारी तमाम LMTs के ऊपर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रोडक्ट है। इस मौसम में कुछ सेल्स ज़्यादा, सर सेल तो सर हमेशा ही ज़्यादा रहती है, अब आगे सीजन शुरू होगा सर्दियों का तो उसमें नाइट क्रीम का यूज़ आ जाएगा, उसमें डे क्रीम का यूज़ आ जाएगा, गर्मी आएंगी तो उसमें सनब्लॉक आ जाएगा, उसमें फेस वॉश ज्यादा आ जाएंगे। सर डिमांड ये बात सही कह रहे हैं शेख साहब के हर चीज ज्यादातर ना सर्दियों में ही इस्तेमाल लोग करते हैं, नहीं तो गर्मियों के बीच माशाल्लाह पसीना आ गया, पसीना आया तो इंज लगा जो पुराना लैंडर चो रहे हैं। शेख साहब बता रही है क्रीमों को ऐसी क्रीम नहीं देते थे असर करने। अच्छा इसमें जो आपके प्रोडक्ट है स्किन के बारे में, ये खवातीन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मर्द हज़रात भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? सर जब आप स्किन केयर में आते हैं ना तो उसमें ये होता है स्किन केयर मर्द हो या औरत हो जिसको अपनी केयर करनी है वो यूज कर सकता है, लेकिन नॉर्मल ये है कि हमारे यहाँ पे हुसन का पैमाना जो है ना वो खवातीन को ही समझा जाता है, खवातीन के लिए जो है ना वो बेसिकली खवातीन को शौक होता है जरा ज्यादा इस्तेमाल करने का। बिल्कुल ठीक है, ਖਵਾਤੀਨ ਭੈੜੀ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਤੇ ਕੱਟੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮੈਂ ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਆਰਟਿਸਟ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਡਮ ਬੈਠੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈਗਾ ਫੇਸ ਫਰੈਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਫੇਸ ਫਰੈਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਐਸੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬੋਨਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ सेल आउट करते हैं। अच्छा खुद इस्तेमाल करेंगे तो फिर बेचेंगे क्या? ये बात है। आओ फिर आप बेचन से बाद तो कहने ला रहे हो कि अपने मुंह पे गाली बेचेंगे की बेचा बात कर दो खुदा का वास्ते मैं अपने मुंह पे ला रहा हूं यार मेरे मेहमान आ गए प्रोग्राम के देखते गाल इस्तेमाल कर लांगे। हां वैसे एक गल है जी जी एक कसम खा सकते हैं कि यार घरों इन्हें दी चीज पई है ए मोबाइल है ना मार्केट में मिलता 5 रुपए का बड़ा भरा ले लता है 10 का मैं दे दे हमने बनाई है जिसमें हम जॉब ऑफर करते हैं। अच्छा जॉब ऑफर बेसिकली जॉब ऑफर बेसिकली वो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है जेल बेसिकली मल्टी लेवल मार्केटिंग। अच्छा मल्टी लेवल पे वेरी गुड। इसके अंदर हमने इसको जेल रखा है ग्रो एवर लाइफ मीन जेल। इसका बेसिक काम ये है कि हम यहाँ पर लोगों को जॉब्स ऑफर करते हैं उसमें हम कॉस्मेटिक स्किन केयर की प्रोडक्ट देते हैं। सेकंड इसमें हमारा लिबॉन एक ब्रांड है वो देते हैं हम उसमें उसमें हमारा एक नया थीम है जो मार्केट में आपके फ्रांस के बाद पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हैं। हमने उसमें जो इंट्रोड्यूस करवाया हम कस्टमाइज कॉस्मेटिक्स देते हैं। देखें कोई भी चीज़ जो है ना उसको हम कस्टमाइज करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आपको कोई भी कॉस्मेटिक्स में कोई चीज़ चाहिए उसको हम कस्टमाइज करके देते हैं। एक पीस हम आपके लिए बनाते हैं जैसे आपको शैम्पू चाहिए आपको कोई ऑयल नहीं इसमें जैसे किसी के बाल गिरते हैं तो उसके लिए आप प्रोडक्ट तैयार करके देंगे उसके लिए एक पीस तैयार करके देंगे उसके मुताबिक उसकी एज के एज वाइज। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कराची में रहता है कराची में पानी में नमक ज्यादा है नमक समुद्री पानी समुद्री नमक है पानी में नमक ज्यादा है तो
नॉर्मली आप कोई भी शैम्पू ले लें उसकी पीएच सेट करने के लिए सोडियम होता ही होता है, लेकिन अगर हम उनसे कराची में कोई मंगवाएगा तो हम उसमें सोडियम विदाउट सोडियम भेजेंगे। जिस इलाके में जिस चीज की डिमांड है उसके मुताबिक, उसके मौसमी हालात के मुताबिक, उसकी एज के मुताबिक, उसको जो कोई अगर डिजीज है उसके मुताबिक, एक बंदा शुगर है उसको शुगर की वजह से उसके डार्क सर्कल्स है, एक एक बच्चा जो मोबाइल देखता है उसको भी डार्क सर्कल्स है, अब दोनों को एक ही प्रोडक्ट नहीं सूट करेगा, उनके मुताबिक दोनों के मुताबिक हम उनको उनके मुताबिक चीज। अच्छा शेख साहब, यानी कि जो शुगर होवे उनको फिक्की दे दे हो तुम। सही कह रहे हैं। अच्छा शेख साहब, जो ऑफर करते हैं आप, खवातीन हजरात आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त हमसे मजाक, और आज के जो हमारे मेहमान बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं, और इस वक्त जो खवातीन खास तौर पर जो घरों में बिल्कुल फारिग बैठी हैं उनके लिए भी एक बड़ा खूबसूरत मैसेज दे रहे हैं शेख साहब। अच्छा, ये जो जेल है वो ये प्रोडक्ट आपकी जो सेल करते हैं और इसके साथ साथ जॉब भी देते हैं जी, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। बेसिकली ये ऑनलाइन भी बिजनेस है और फिजिकल बिजनेस भी है, जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस कहते हैं वो भी है और ऑनलाइन बिजनेस भी है। इसमें नॉर्मली ये है कि इसमें आपको हमारा नंबर वगैरह मिल जाता है, आप इस साइट से भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि हम आपको जॉब ऑफर करते हैं, इसमें हमारी जो इनिशियल स्टेज पे हम लोग जॉब जिसको दे रहे हैं उसमें 15,000 सैलरी दे रहे हैं जी, और रैंकिंग के हिसाब से है, जब आप थोड़ा सा काम ज़्यादा कर लेते हैं या काम आप अच्छा करते हैं तो 25,000 रुपये, इसमें हम आपको 1.5 लाख रुपए तक पैकेज आपका लेकर जाते हैं जी जी। और जेल के प्लेटफॉर्म पर इसका नाम जेल इसलिए रखा गया ग्रो एवर लाइफ कि इसमें हमने गारमेंट्स रखी, कुछ लोग स्किन केयर की कितनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आपको कपड़ा हर बंदे को चाहिए, बच्चे को चाहिए, बूढ़े को चाहिए, तो वो उसमें हमने गारमेंट्स भी डाली क्योंकि मेरी बरादरी मेरे नाम के सारे तकरीबन गारमेंट्स का काम करते हैं, तो उस हिसाब से गारमेंट्स को भी डाला गया। और शेख हजरत ज्यादा कारोबार कपड़े से मतलब लिखा है उसमें, ये है कि नॉर्मली आगे जो है फूड सप्लीमेंट जिस तरह हमारी खुराक में वो चीज़ों की मिकदार कम है कि हम केयर नहीं करते, दूध हम सही तरह नहीं लेते, कितना दूध पीते हैं, हमें आर्टिकल 2 लाख दूध पीना चाहिए तो नहीं लेते, तो उसके लिए फूड सप्लीमेंट। इस पैनल से आपने कितने लोगों को रोजगार मुहैया किया इस वक्त तक? अल्हम्दुलिल्लाह तो 86 प्लस जो है ना वो हमारे एम्प्लॉज हैं, और ये आज अभी इसको तकरीबन समझ जेल को शुरू हुए मंथ नहीं हुआ। अच्छा, ये जो आपका 3-in-1 मेरे पास है ये फेस वॉश है ये? नहीं सर, ये स्क्रब है। अच्छा, ये असल में स्क्रबिंग के लिए है। अच्छा, ये बेसिकली आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स जो आपके नोज पर होते हैं, ब्लैक हेड व्हाइट हेड, ये आपके डाउन चेन जो है ना आपके डेड सेल्स होते हैं, आपके चिप्स पे डेड सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, ये उसके लिए है। और सेकेंड ये है कि एक्नी आपके चेहरे पर आ जाती है उसके लिए ये बहुत बेहतरीन है, अर्जेंट वाइटनिंग है ये कि आपके फेस को ग्लो करने के लिए। तो मार्केट में ये अवेलेबल हर जगह पे आसानी सर, ये आपको मेट्रो मैक्रो में मिलेगा, रहीम स्टोर्स पे मिलेगा, आप उसके अलावा यूरो स्टोर सारों पे मिलेगा, रियो स्टोर्स पे मिलेगा, आप अगर पैकेजेस में जाते हैं तो वहाँ पे रियो स्टोर्स पे आपको अवेलेबल मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, जितने यूरो स्टोर्स हैं वहाँ। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट इतनी लेवल की है कि लेवल के ही जनरल स्टोर्स में? हाँ जी, ये सिर्फ आपको LMTs पे मिलेगी, आपको GT स्टोर्स पे नहीं मिलेगी, ये आपको IMT स्टोर्स पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हम जो प्रोडक्ट देते हैं आपको ग्रीन वैली में, बैरिया वालों को जो ग्रीन वैले है जी जी जी। आपको ये वहाँ भी मिलेगी, यानी कि हम क्वालिटी बेस काम करते हैं। ताली हम जी के जेक साहब के लिए। तो जेक साहब, वो जो आप कह रहे थे कि जॉब देते हैं ऑनलाइन, हमारे पास एक ऐसा बंदा है जो मुंह से जाए इन लोगों को बताए, इसको भी प्लीज रहा नहीं। वैसे तो ये फनकारों को भी चाहिए ना, ये तो फनकारों को भी चाहिए कि देखिए जब ये बुरे हालात कोरोना की वजह से आए हैं तो हमें जॉब्स करनी चाहिए यार, थोड़ा सा मुंह से बात खुदा दा वास्ता जे ना कोरोना दा ना ना लवो ए ना होवे फिर वापस आ जाए जी, ये वापस एक टाइम में वापस आया है कोरोना जी तो आया ना 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 ते वो ते एटम दे ते जिले कोरोना दी एक एटम की थी वो ताडी नजर आ रहे हैं जी जी। हां जी, मैं चुस्त पजामा पा के ना कोरोना दी चाची सस बन गई, तुसी ते बेहतर जा दे तुसी ताई सस हो गई बच्चे भूखे बैठे राशन दिला जा हाँ, अच्छी तरह
20 सेकंड से कम हाथ धोए तो मैं तुम्हारी गिच्ची निचोड़ के रख दूंगा। खबर तीन रोज रात आप हमारे साथ रहिए, चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपसे।